वाओ वेद, तू तो स्केटिंग में एक्सपर्ट हो गया है। नए स्कूल में जाकर ना तूने बहुत कुछ सीख लिया है। मेरे पापा की वजह से जो मेरे हर जिद पूरी करते, मेरा नए स्कूल में एडमिशन भी करवाया। सिर बचाना अपना, नीचा आओ, धीरे से धीरे से, आराम से। अरे अंकल, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे पापा की दुकान का बोर्ड तोड़ रहे हो। अरे रुक तो, बात थोड़ा आगे ले जा इसको। छोड़ो छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, अरे मेरे पापा की दुकान है ये। अरे रुक, मेरे पापा के बोर्ड हटाने को, मेरा वाला बोर्ड आ जल्दी से। जा खोलो भैया, तुमको बुला के ला सकते। दादाजी दादी, मेरे पापा का दुकान। अरे रुक, भाई जी आप ये क्यों कर रहे हो? ये हमारे छोरे की दुकान है, ये बोरेट क्यों उठा रहे हो? जवाब दो भाई, जवाब दो। ओ भाई चल नीचे उधर, उधर नीचे उधर। एक मिनट, तू अपना काम कर। किसे लगा? लगता है आपको सूरज जी ने बताया नहीं है। क्या बताया? कल ही उन्होंने ये दुकान मुझे बेच दी है, अब ये दुकान मेरी है। जाइए जाके सूरज जी से बात करिए। ले जा भाई, मेरा वाला बोर्ड लाके लगा। पापा ने दुकान। अब जरा अपने हाथों से वहाँ पे छापा तो दे। जी तो नहीं, दुकान शुरू करी है, बी टेम्पर कर जा। अब शुरू हो या अंत, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। शुरुआत हो या खत्म, दोनों शुभ होने चाहिए ना। ले चला जा। बाबा साहब, बाबू, मोहित, विक्रम, मैं जानू कि आप सबको मेरा ये उठाया कदम अच्छा नहीं लगा होगा। सबको तकलीफ हुई होगी, मुझे भी तकलीफ हुई, क्योंकि राठी मिष्ठान भंडार से हमारे घर की, मेरी बहुत सी अटूट सी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे याद है, आवासन एक दिन मुझे कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए मेरे लिए ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था। अब अगर अपनी ये दुकान रहती तो मैं कहीं ना कहीं कहीं से भी पलट के देखता रहता कि चलो दुकान तो है, लेकिन कुछ भी, जब तक हम सुरक्षित महसूस करते हैं तब तक हम कोई भी रिस्क उठाने के काबिल नहीं होते। इसलिए मैं भी अपने सपने के लिए एक बार भरपूर रिस्क उठाना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना चाहता हूं, ताकि कोई भी चीज मेरा ध्यान न भटाए। और इसलिए अब होटल का सपना पूरा करना मेरे पास इकलौता मकसद बचा है। और बाकी के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए। आपने बिल्कुल सही सोचा है, आपका सपना जरूर पूरा होगा। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सूरज कि आप उनका कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ संध्या, आज मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो ही वो पूरा निडर होकर पूरी मेहनत के साथ अपने सपने को पूरा कर सकता है। अब वही तो बचा है मेरे पास। और रही बात दुकान बेचने की, तो उसके लिए मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास हार कर लौटने के लिए कोई दूसरा रास्ता हो। मैं नहीं चाहता कि दुकान ही मेरे पैरों की बेड़ियां बने। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूं।
अपने होटल खोलने का सपना पूरा करना चाहता हूं। और मेरे लिए मेरा यह सपना अब सिर्फ और सिर्फ आर या पार की बात है बाबू। संध्या बिंदी जे के कहे जा रहा है सूरज, और थारे को जे बात पता थी ना, तो रोका क्यों नहीं उसे, हमें भी ना बताया? मुझे भी पहले नहीं पता था बाबा साहब, कल रात ही मुझे पता चला। आपकी तरह पहले मुझे भी धक्का लगा, लेकिन अगर देखा जाए तो सूरज जी का फैसला की जगह एकदम ठीक है। इनके इस फैसले से मेरा विश्वास इनके विश्वास पर और बढ़ गया। अब इनका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी, जैसे सेक्रेटरी ने रिस्क ली थी, वैसे पापा भी रिस्क लेकर होटल के मालिक बनेंगे, है ना? जरूर बनेंगे। अबो, आज मैं यहाँ पे खड़े होके आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मैंने आप सबको बताया नहीं। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद आपको बुरा लगता, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं, बाप की चिंता और ना बढ़े इसलिए दूसरे बाप को मैंने नहीं बताया। अगर मैं उस बाप के चेहरे पे चिंता देखता तो शायद कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर पाता, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। अबो, अबो ये राठी मिष्ठान भंडार के पेपर्स, इन पे यहां पे थारा बैठा चाहिए। सही कहा तुमने छोरा, बहुत दुख होगा जी सब स्वीकार करना, इतना आसान ना है छोरा। जिस राठी मिष्ठान ने इस घर को खड़ा किया, परिवार की हर जरूरतों को पूरा किया, उसी ने तो खोने चला है। बाबू, तूने जिस बहादुरी से सोचकर ये फैसला लिया है ना, आज थारी बाबू को थारे पर बहुत गर्व है। साचा ही आज मारा छोरा बड़ा व्यापारी बन गया। आज मारे को ना थारा सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तू कामयाब हो। मारा आशीर्वाद हमेशा तारे साथ है। खुश रहे महाराज, कठिन लड़ा है दे। Thank you.
कबड्डी का मैच, वो भी राजस्थान में, कब? एक महीने बाद। ये तो तूने बहुत अच्छी न्यूज सुनाई। अच्छा सुन, मैं कल क्लब में मिलता हूँ तुझसे। क्या बात है छोटू, बड़ा खुश लग रहा है। ऐसे क्या झंडे गाड़ के आ रहा तू? अब बात ही ऐसी है मोहित भाई साहब, पता है राजस्थान में बहुत बड़ा कबड्डी का टूर्नामेंट होने वाला है और पूरे देश भर से टीमें आने वाली हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। बड़ा मजा आएगा। ले। देख रही है भाबो, यहाँ घर में इतना कुछ हो गया ऐसे कबड्डी के मजे लेने। अरे सूरज भैया ने क्या क्या नहीं किया इसके लिए, लेकिन इसे कहाँ पड़ी है उनकी, इसे कहाँ दिखता है सूरज भैया का दर्द। आप क्या कह रहे हैं मोहित भाई साहब? बाबो क्या हुआ सूरज भाई साहब को? राजस्थान में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट के बारे में तो तुझे पूरी खबर है, लेकिन घर में क्या चल रहा है उसके बारे में जरा सा भी अंदाजा है तुझे? जिस दुकान में तेरा बचपन बीता है, जहां से खा खा के ये हट्टा कट्टा शरीर बना लिया तूने, सूरज भैया ने दुकान बेच दी है होटल बनाने के लिए और इसे कबड्डी की पड़ी है। मोहित, सूरज ने दुकान बेची, अपना हुनर ना बेचा है। और हाँ, इंसान जब कुछ बड़ा करने जावे है ना, तो जिंदगी उससे त्याग मांगे। और फिर क्या हुए? दुकान सूरज की है, उसने अगर दुकान बेचने का फैसला किया है ना, तो हम सबको उसका मान सम्मान करना चाहिए। छोटू, तू मोहित की बात का ना बुरा मना मानी। हाँ, क्या कह रहे थे तू? थारी कबड्डी की बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है ना, मैं ठाकुर जी से थारे लिए भी प्रार्थना करूंगी। बाबो, ये कोई छोटा मोटा गलियों वाला कबड्डी मैच नहीं है, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और पूरे देश भर से टीम्स आने वाली हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो के हुए, इंसान ने अगर सपना देखना होए ना, तो बड़ा ही देखना चाहिए। सूरज के होटल के साथ साथ थारी प्रतियोगिता के वास्ते भी प्रार्थना करो। हनुमान गली में तो यही पंचायती हो रही होगी आज। सारी पंचायतियों से मैं क्यों दूर रह जाती हूँ? यू वंश बाबा, ये लो दूध पी लो। ये वंश, चलो दूध पियो। नहीं दीदू, अभी तो सिर्फ मुझे जीतना है। ये आज मुझे कुछ भी करके अंकुर जी से वंश को डांट या मार तो पड़वानी ही पड़ेगी। आज ये सबूत यहाँ से कैसे भी लेकर जाना ही है हमारे को। क्लाइंट के फाइनल डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए? हाँ हाँ हाँ, मैं 20 मिनट के अंदर क्लाइंट के फाइनल डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ। ओके, लेकिन आई वांट इमीडिएट एक्शन। क्लाइंट कब भेज लूं? इसकी बैटरी को भी अभी जाना था। इसकी कॉर्ड कहाँ है आपकी? हाँ मुझे याद है, मुझे याद है, रूम में लगे है। इसमें अंकुर जी का कोई जरूरी काम है। अगर ये दूध में स्पीकर आ तो हाँ, फिर तो डांट पड़ेगी पड़ेगी वंश पापा को। वंश पापा, दूध पी लो।
कल ही उन्होंने ये दुकान मुझे बेच दी है, अब ये दुकान मेरी है। जाइए, जाके सूरज जी से बात करिए। दोपहर की नींद ना ली? आज इन आंखों में नींद ना है संतोष, डर सा बैठ गया है इनमें। सूरज का सपना उसके लिए आर पार की लड़ाई बन गई है, पर मने तो कोई पार नजर को नहीं आ रहा है। आपने भी सोई लाके है कि सूरज ने गलत फैसला ले लिया? ना संतोष, ऐसी बात को नहीं, मैं तो उल्टा खुश हूं कि मारे छोरे ने इतना बड़ा सपना देखे और वो उस सपने को पूरा करने में जुट गया है। अच्छी बात। पर संतोष, एक बात कहूं तने, जिस ठसक के साथ मारा छोरा जे मिठाई की दुकान चलाता था ना, मने बड़ी खुशी होती थी। रे, ग्राहकों की भीड़, दूर दूर तक नाम छोरे का, पुष्कर, जयपुर और न जाने कहां का। पर मारे वास्ते जे सब भी किसी सपने से कम न था, पर अब इसे छोड़ के वो ऐसे सपने के पीछे दौड़ रहा है जिसका तो मैंने दूर दूर तक कोई छोर कोनी नजर आ रहा है। फिर संतोष, कैसे उसके सपने का मैं भागी बनूं? भगवान न करे उसका सपना अगर पूरा ना हो सके तो उसकी हार के साथ ये सारा घर परिवार बिखर जाएगा। हाँ, भाबो, आप लोग उठिए, उठिए, उठिए ना। छोरा, मुझे ना आप दोनों को एक चीज दिखानी है। आप लोग हॉल में चलिए ना, मैं तब तक सबको बुला के लाता हूँ। बाबू, अब ऐसा लेके चलो पापा को। हाँ, अरे अरे अंकुर जी का साहब जी का काम खराब हो गया, अब क्या होगा? कौन सा पापा, ये क्या कर दिया आपने? सॉरी पापा, गलती हो गई। वो पापा, वंश की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। वो क्लास पर हाथ लग गया और दूध गिर गया। सॉरी पापा। गलती तो की है तुम दोनों, और इसकी सजा भी मिलेगी। इतने लापरवाह कैसे हो सकते तुम लोग? वंश, तुम्हें तो सजा मिलेगी ही, और तुम्हारी सजा है कि कल तुम दोनों मेरे साथ पिक्चर देखने आओ। पापा, आपका काम? अरे वंश, वो क्या है कि पापा को जो फाइल्स भेजनी थी ना, उन्होंने फोन पे सेव कर ली थी। मैं अपने क्लाइंट्स को भेज भी चुका हूँ। अगर आगे से कोई शैतानी मत करना। ओके ओके पापा, आई लव यू। अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही हो? ये दूध कौन पहुंचेगा? जी साहब, अभी कर देती हूँ।
पापा यू आर द बेस्ट। अरे यार मेरे को सांस नहीं आ रही है, छोड़ो। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।